अरे वाले भी नहीं। चल भाई, हमने जो पढ़ाया था आपको फंक्शन पढ़ा था, फंक्शन के क्वेश्चन भी कराए थे, ठीक है। कल वो क्वेश्चन कह रहे थे आपको समझ में नहीं आया, घर देखा था, वो समझ में आ गया। कल एक क्वेश्चन दिया था, जब उस पर डिस्कस कर लेते हैं। एक फंक्शन था सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसमें एक कंडीशन दी हुई थी एफ एम प्लस एन इक्वल टू एफ एम प्लस एफ एन, और एक और चीज़ गिवन थी, यानी कि गिवन एक तो ये था और गिवन नंबर टू ये था कि एफ सिक्स इक्वल टू 18, वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है ये एफ टू इंटू एफ थ्री, यानी कि इसकी वैल्यू। देखो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कर ले कि चलो ठीक है टेबल कर रहे हैं, दो दो के बाद क्या आएगा, चार चार के बाद छः आएगा। नहीं, क्वेश्चनों में आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि हमें जो आंसर चाहिए उसी के हिसाब से हमें जोड़ तोड़ मैथमेटिक्स में करनी है। क्लियर है? अब देखिए, हमें ये निकालना है, इसके लिए हमें टू चाहिए और थ्री चाहिए, और वो आएगा कहाँ से? इसकी और इसकी मदद से। यहाँ पर अगर हम देखें एफ ऑफ सिक्स इक्वल टू कितना है 18, ठीक है। अगर यहाँ सिक्स रख दें, यहाँ सिक्स रख दें, यहाँ कितना हो जाएगा 12 की वैल्यू नहीं पता, तो अगर हम इसको सिक्स मान लें, इसको सिक्स मान लें, ऐसे लिख सकता हूँ मैं से, यानी कि m और n का जोड़ सिक्स है। अब इस सिक्स को मैं कैसे तोड़ूँ? इसको आप कितने तरीके से जोड़ सकें, 5 + 1, 4 + 2, 3 + 3, 2 + 3, ठीक है, 2 + 3 तो 5 हो जाएगा, नहीं 2 + 4, बस ये तीन, इतने तरीके से आप इसको तोड़ सकते हैं। अब इसमें तोड़ा f5 f1, कोई से की वैल्यू नहीं पता, सिक्स की तो पता है वहाँ से निकाल लेंगे, तो फिर भी कट समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसमें अगर हम इसको तोड़ते हैं, इस सिक्स को इसमें अगर हम ऐसे रख दें, f m की वैल्यू भी 3, n की वैल्यू भी 3, ये आ गया आपका f3 और ये भी f, ठीक। इसी भाषा में कहूँ जुगाड़ नंबर एक तो ये पढ़ना पड़ा, इधर ट्रिक कह लो, जुगाड़ कह लो, कुछ भी कह लो, ये कितना हो गया f6, f3 कितना हो गया, f6 की वैल्यू कितनी है 2f3, f3 की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी तो मिल गई। अब हमें किसकी चाहिए, f2 की, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा से ऐसे लिख दूं, लिख सकता हूँ, यहाँ से f2 की वैल्यू निकल जाएगी, f3 की पता लेकिन f1 की नहीं पता, समस्या ये पड़ी होगी, पता नहीं ना, तो इसको भी सेम ही बना ले, इस f2 में फिर यही फार्मूला लगा दे, f1 प्लस, क्योंकि अब सेम हो गए, कितने हो गए हैं 3f1, और ये क्या बन रहा था f3, f3 की वैल्यू क्या है 9 इक्वल टू 3f1, f1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, f1 की वैल्यू 3 यहाँ रख दो, ये तो 3 बन गया, ये f2 है और ये f3 की वैल्यू कितनी है 9, तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई 6, f2 की वैल्यू 6, f3 की वैल्यू 9, तो कितना आ गया 6 × 9 इक्वल टू 24। ये चीज़ें आपकी और क्लियर हो जाएंगी जब आपको पढ़ाया जाएगा कैलकुलस में लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी से पहले एक टॉपिक है फंक्शन, तो वहाँ फंक्शन पे और ज़्यादा डिस्कस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो हमने फंक्शन पढ़ रहे हैं, हम यहाँ मोस्टली सेट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, वहाँ जो फंक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे आपके जितने भी तरह के
पॉलोनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने भी तरह के फंक्शन है वहाँ सारे फंक्शन आ जाए। ठीक है, नोट तो नहीं करना है, नोट तो कल किया हुआ ही आप। ठीक है, देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, एक तरह से दो फंक्शनों को जोड़ना, जोड़ना तो नहीं कहना लेकिन एक दूसरे को इकट्ठा करना। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, मैं दो फंक्शन को इकट्ठा करना, इसको ऐसे समझ सकते हैं। एक सेट हमारे पास ए है, एक सेट बी है, सेट ए से बी एक फंक्शन एफ है, यानी कि इसको लिख सकते हैं अब सच दैट ए टू बी। ठीक, एक सेट हमारे पास कहीं से सी हो रहा आ गया, इसके और इसके बीच एक फंक्शन हमने लिख दिया जी। ठीक, इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे, जी सच दैट बी टू सी। क्लियर है, एक फंक्शन ए टू बी है, दूसरा फंक्शन बी टू सी है, तो एक फंक्शन डिफाइन होगा जिसको हम बोलेंगे जी ओ एफ सच दैट ए टू सी। ये जो फंक्शन है इसी को ही कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन हो, यानी कि कंपोजिट दोनों फंक्शन इकट्ठे आए, ये सिंगल एफ था, ये सिंगल जी था, वही आएगा जी ऑफ एफ आ गया जो का ए से सी, यानी कि अब जो मेजर कर रहे हैं हम, जो ये फंक्शन आया ये ए से डायरेक्ट सी हो गया, जैसे रिलेशन में हम इक्वेलेंस, वो क्या नाम, इक्वेलेंस रिलेशन में हम क्या पढ़ रहे थे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, ए टू बी बी टू सी, तो ए टू सी हो गया, इसको बोलते हैं जी ओ पर जी ओ एफ। ठीक है, कैसे, अगर इसका एग्जांपल ले लें, मान लिया इसमें वन टू थ्री, इसमें एलिमेंट है ए बी सी, इसमें है एक्स वाई और जेड। ठीक, इसकी इमेज ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, यहाँ इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये है। ठीक, एक सिंपल एग्जांपल इसके यहीं पे ले लें, एफ इमेज ऑफ वन इक्वल टू क्या है, क्या है ए, यानी कि वन की अंडर एफ इमेज क्या है। ठीक, और इस ए की अंडर जी क्या है, एक्स। अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दूं, इसी को लिखते हैं जी ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि इसको जी ओ एफ इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी समझ लो जी ओ एफ एक्स, अगर कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जी एक्स। ठीक है, एक फंक्शन सिंगल फंक्शन एफ था, सिंगल फंक्शन जी था, इससे इससे ये डायरेक्ट जो रिलेशन हुआ वो रिलेशन जी ओ एफ हुआ, इसी को ही कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन कहलाता है। इसकी जो रेंज होती है ए की रेंज, ये हुई, ये जो रेंज होती है इसके लिए क्या बन जाती है, डोमेन, समझ रहे, इसकी रेंज इसके लिए क्या बन जाती है, डोमेन। और यानी कि आप ये समझें, अगर सेट ए की रेंज इक्वल नहीं है डोमेन ऑफ जी, या कहूँ रेंज ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन का कंपोजिशन नहीं हो सकता, फंक्शन का कंपोजिशन क्यों नहीं हो सकता, इसकी रेंज और इसका डोमेन अगर एक नहीं है, सेम नहीं है, तो वो फंक्शन क्यों, कंपोजिशन क्यों नहीं हो सकती, बस मुझे ये बताओ,
ये कंडीशन इसने लगाई क्यों, हालांकि बुक्स में इसके साथ लिखी भी नहीं होगी। फॉर्मूले में दिया हुआ है ना क्या, रिलेशन जो है एक सी है, तो ये तो वन की जो इमेज होनी चाहिए वो एक्स होनी चाहिए, तो ये तो है नहीं। उसे समझो, ये मैंने कहा था रेंज ऑफ है, रेंज ऑफ है क्या है ए बी सी, और डोमेन ऑफ जी क्या है वो भी फिलहाल ए बी सी है, इक्वल है ना। अगर ये इक्वल ना हो तब कंपोजिशन नहीं होने की। अब इक्वल ना किस कंडीशन में ना हो, अगर यहाँ ई आ जाए कट जाए, अगर यहाँ ई आ जाए क्या ये जी फंक्शन रहेगा, क्या जी फंक्शन है अब, और कंपोजिशन किसका होना है वो फंक्शन का, इसलिए ये मैंडेटरी है। इसे नोट कर लो, करना चाहो
पढ़ लिया भाई नोट? यस सर। आप तेज चलाना सीखो भाई, बस वो नाम लगा। लैंग्वेज में समझ लो, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, देन the composition of f and g is g of f, ठीक है, and is defined by g of f such that a to c, ठीक है, and g of f x equal to जो होता है g f x for all x belong to, ये आपसे सबसे ज़्यादा काम आने वाली ये चीज़ें हैं, ठीक है, आज कहाँ से कहाँ समझ में नहीं आ ये जी ओ एफ एक्स ऐसा लिखा हुआ है, उसका मतलब है जी ओ को हटाएंगे ब्रैकेट लगा देंगे बड़े वाले, ये है मतलब। अब ये इसका मतलब क्यों है, आगे जब आप पढ़ोगे क्या तुम आ जाओ, अभी समझ में आ जाओ, लिख लिया हो या लाइन लिख लो सर, जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, यह लाइन लिख लो, सारा लिखना चाहो सारा लिख लो, देखिए इसका मतलब क्या है, तीन सेट हैं ए बी सी, इसमें एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री करके डॉट डॉट एलिमेंट है, इसमें मान लेता हूँ मैं वाई वन वाई टू वाई थ्री डॉट डॉट, इसमें जेड वन जेड टू जेड थ्री कुछ भी मान, यहाँ फंक्शन एफ है और ये फंक्शन जी, वहाँ मैंने लिखा है कि जी ओ एफ एक्स इक्वल टू ये लिखा ना,
पहले तो किसका ये कह रहा कि इससे पहले यहाँ गया ये चीज समझ में आई। इमेज ऑफ एक्स वन अंडर एफ इक्वल टू इमेज ऑफ वाई वन अंडर जी इक्वल टू ये चीज समझ में आ रही ठीक। अब ये देखिए ये सिंगल एफ के लिए थी ये सिंगल जी के लिए थी। अब ये दोनों के लिए इकट्ठी कह रहा कि जी ओ एफ यानी कि इमेज ऑफ एक्स अंडर जी ओ एफ इमेज ऑफ अंडर जी ओ एफ तो इमेज ऑफ एक्स अंडर जी ओ एफ क्या है ये वाला ही तो है ना जो डायरेक्ट कनेक्ट कर गया। तो इमेज ऑफ एक्स वन अंडर जी ओ एफ क्या है आगी जेड वन इसका मतलब देखते हैं अंदर वाले का मतलब क्या है। इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ क्या है लिख दूं। इमेज ऑफ वाई अंडर जी क्या है समझ रहे ये क्वेश्चन सॉल्यूशन में काम आएगा क्योंकि डायरेक्ट जी ओ एफ तो हम इस तरह निकालने करें तो हम इसकी मदद से लेंगे पहले इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ निकाल लेंगे फिर जो आएगा फिर उसकी अंडर जी निकाल लेंगे ठीक है। एफ एक्स कौन सा इसमें ये है ना और अंडर जी इमेज इसकी क्या है ये जेड वन है दिखा देना मैंने प्रूव करके भी क्या सही है। ये सिंगल फंक्शन के लिए था आसानी समझ में आ रहा ये कंपोजिशन होगी यानी कि ये जोड़ा बन गया ये कैसे ट्रीट कर रहा है एज ए सिंगल फंक्शन। अब ये समझो सिंगल फंक्शन ए टू सी हो गया ठीक है इसे लिखना चाहो लिख लो आप ताकि कन्फ्यूजन ना हो आगे तो मैं क्योंकि देखिए आपकी समस्याओं का निस्तारण करने वाला अगर आपको कोई किसी भी कंसेप्ट को ले कोई इशू आता है वो कोचिंग में ही हो सकती है और कोचिंग में भी अगर कहीं 50 बच्चे हैं 40 बच्चे तो वहाँ भी आपको बहुत बात सोचना पड़ेगा। YouTube पर डाल लोगे तो YouTube पर मुश्किल है कि आपकी समस्याओं का निदान हो जाए और सब्जेक्ट का चल जाता है लेकिन मैथमेटिक्स का नहीं चलता। ट्वेल्थ की बुक मैं ला रखी ट्वेल्थ की बुक एनसीईआरटी कौन सी है एनसीईआरटी कौन है एनसीईआरटी शर्मा है कौन सी एनसीईआरटी है अगर 11 12 का बच्चा यहाँ पढ़ लेगा ना वहाँ से बन जाएगा मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है such that
फंक्शन डिफाइन एज, ये दो फंक्शन है डिफाइन किए हुए कैसे, एफ टू इक्वल टू थ्री, एफ थ्री इक्वल टू फोर, एफ फोर इक्वल टू एफ फाइव इक्वल टू फाइव एंड जी थ्री इक्वल टू जी फोर इक्वल टू सेवन एंड जी फाइव इक्वल टू जी नाइन इक्वल टू अलेवन। ये कह रहा फाइंड जी ओ दोनों की वैल्यू फाइव है, नाइन कौन सा जो फोर बराबर फाइव आएगा थर्ड लाइन में, एफ फोर बराबर फाइव। हाँ ये करेगा ना, ये सर जैसे फाइव फोर ब्रैकेट में लेकर नहीं है जो मैंने लिखा है। अब देखिए इसने दिया है हमें निकालना जी ओ एफ। अब जी ओ एफ क्या है, एक फंक्शन इससे उस वो है, एक जी इससे ये है, हमें निकालना डायरेक्ट इससे, यानी कि इन हर एलिमेंट की इमेज निकाल लेंगे ना। हमें क्या निकालना, जी ओ एफ टू भी निकालना, जी ओ एफ थ्री भी निकालना, जी ओ एफ फोर भी निकालना और जी ओ एफ फाइव निकाल लेना। जब हम जी ओ एफ टू निकाल लेंगे ऐसे लिखेंगे ना, जैसे मैंने वहाँ ब्रैकेट लगाता थी, जी एफ टू की वैल्यू क्या है लिख दिया, जी थ्री की वैल्यू क्या है सेवन आ गया। इसी तरह इसको क्या लिखेंगे, एफ थ्री की वैल्यू क्या है फोर, और जी फोर की वैल्यू सेवन। ठीक, इसी तरह इसको लिखेंगे जी एफ फोर, जी एफ फोर की वैल्यू कितनी है फाइव, और जी फाइव की वैल्यू अलेवन। इसी तरह इसको लिखेंगे हम जी एफ फाइव, एफ फाइव की वैल्यू कितनी है फाइव, तो जी फाइव हो गया और जी फाइव की वैल्यू फिर कितनी हुई, तो ये वैल्यू हुई। ठीक है, इसको वैसे देख लें बार हम जरा, तो ये फंक्शन है एफ,
ये फंक्शन जी इसमें एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, इसमें है 3, 4, 5, 9 और इसमें है 7, 11 और 15। तो 2, 3, 4 यहाँ दिया इमेज ऑफ 2 अंडर f = 3, 3 की क्या है 4, 4, 5 की क्या है 5, ये 3 कितना है, ये 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है, G5 और G9 कितना है 11। G5 और G9 कितना है 11। अब देख ले 2 की इमेज क्या बैठी डायरेक्ट 7 आ गई, 3 की इमेज 7, 4 और 5 की इमेज ठीक है। नोट करोगे बुक्स में दिया हुआ है एग्जांपल। क्या करें हम बताओ क्या क्या ये तो बेसिक यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपके एन सी आर टी है कवर में 11, 12 फिर तो आप जे चेक कर सकते हो स्टार्ट। अगर आप चेक नहीं है ना आपने तो पढ़ी हुई है कुछ बच्चे से जो जानते हैं कल इसका लास्ट लेक्चर है। हाँ कल लास्ट देखिए सेट रिलेशन फंक्शन से कोई इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते और जो इनमें क्वेश्चन करा रहा इसी तरह के आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं। इसमें भी बहुत बड़ी चीज़ें आती हैं जो अभी ये क्वेश्चन कराया इससे रिलेटेड आते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए। ये फंक्शन है f सच दैट R2R और एक है जी सच दैट R2R, दोनों फंक्शन ये है fx = cos x और gx = है 3x2। इसमें दिखाइए GOF is not equal to FO।
नवजात शिशु देखा कभी? किसा कहें नवजात सर जो एक हफ्ते के अंदर देखो नवजात मतलब नवजात को जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ठीक है। कभी क्या होता है जब कुछ चीज़ें समय से पहले हम देखते हैं ना तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट करती है समझे। तो वही डिफरेंस है कि यहाँ ट्वेल्थ अपेयरिंग या ट्वेल्थ पास बच्चा जब पढ़ेगा और अलेवेंथ अपेयरिंग पढ़ेगा डिफरेंस पड़ेगा। इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं करूँ कि टेंथ के मैथ का तो उसमें कुछ नहीं है कि टेंथ की कोई नई चीज़ आपको मिल रही है हाथ ही दे इतना नंबर मिल रहे या वो संख्याओं में खेल ले संख्याओं वाला खेल तो यहाँ है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आएगी वहाँ हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री नाम मात्र की पढ़ाई जाओ अलेवन ट्वेल्थ में थोड़ी बहुत ही आ जाती है लेकिन यहाँ जब ट्रिग्नोमेट्री की जब आप फंक्शन पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनवर्स फंक्शंस फिर दिमाग भी हिल जाए। IIT JEE की जो बच्चे कुछ बच्चे तो 11th से TRE कोचिंग में जाकर सेटल हो जाते हैं डनी एडमिट हो जाते हैं जिसको फाइट करना होता है ठीक है। और NCERT की महत्ता बताता हूँ ये NCERT है 12th की दो हैं एक 11th की है अगर तीनों NCERT आप रोड पे पी जाए ना विद कंसेप्ट ये नहीं कि क्वेश्चन कर लिए क्वेश्चन चाहे इसका एक भी मत करना लेकिन अगर इसके कंसेप्ट आपके क्लियर हैं 6 महीने घर में बैठ के और डेली 2 घंटे पढ़ना दुनिया का कोई सा भी मैथ पढ़ लोगे आप कहीं से भी कोई कंटेंट उठाओगे तुरंत समझ में आएगा लेकिन कंडीशन वही है कि इसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और इसके जो कंसेप्ट है ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक का मतलब ये प्रमाणित है इसमें जो परसेंटेज ऑफ एरर है वो नेग्लिजिबल है ना कि बराबर है इसमें गलती नहीं मिलती और बुक्स में आपको गलतियाँ मिली ये स्ट्रॉन्ग होगी सारी चीज़ें होगी। इस चैप्टर में ऐसा कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी कि इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कराए गए क्योंकि इसका थ्योरेटिकल पार्ट ही सारा थी सेट रिलेशन फंक्शन में जो भी है कंसेप्ट ज़्यादा है बाकी जो टॉपिक्स हैं उनमें क्या है फार्मूले लिखवा दो एक दिन में फिर क्या करने क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने और जहाँ तक उम्मीद है मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड एक और दो क्वेश्चन इस लेवल का तो मैंने कराया ही इस लेवल से ज़रा सा हट जाऊँ फिर यहाँ पर फंस जाओ लेकिन इतना करके चलो कम से कम यहाँ जो पढ़ाया है कि ट्वेल्थ लेवल का आपका कोई चीज़ स्किप ना हो एक ऐसा फाउंडेशन आपका जरूर बन जाए। अरे यहाँ उसके बावजूद भी डाउट है फिर तो आप सारी ज़िंदगी इसी में ही उलझे रह जाओ। अब सेट रिलेशन फंक्शन में लास्ट टॉपिक बच रहा है आपका बंद हो गया ना क्या हो गया इसमें बैटरी लो है करना इसमें वही है। अब ये जो JEE में क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के आते हैं हमें सबसे पहले हम निकालते हैं GOFX ठीक इसको लिखेंगे GFX FX की वैल्यू क्या है ये है ना। अब cos X की इमेज अंडर G X की इमेज अंडर G क्या है 3x2 यहाँ X है तो यहाँ क्या आया एक्स स्क्वायर आएगा 3x2 अगर यहाँ cos X आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3
कोस स्क्वायर एक्स में हो जाएगा, तो जी ओ एफ तो ये आया, एफ ओ जी एक्स क्या आएगा, इसका मतलब एफ, ठीक, एक्स की इमेज अंडर जी क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स की इमेज अंडर एफ क्या है, कोस एक्स, यानी कि यहाँ जो लिखा हुआ उसके साथ क्या जुड़ेगा, कोस, ऐसे ही जब अंडर एफ इमेज निकाल लेंगे तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, कोस के, ये आएगा कोस थ्री एक्स स्क्वायर, क्या है दोनों चीज़ें सेम हैं, तो जब ये सेम नहीं है आप लिख सकते हैं राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड आर नॉट इक्वल, दैट इज जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, ठीक है। बुक ली है मैथमेटिक्स, क्या कह रही, इंजीनियरिंग वाली यार, कौन सी, अलेवन ट्वेल्थ के लिए जो आर डी शर्मा की, तो फिर अपना, चलो अभी एक दो टॉपिक आप यहीं से पढ़ो पहले, पहले आप एक दो जो भी है अगर आपको लगता है कि यहाँ पढ़ते हैं संतुष्टि है, ठीक है, thank you.
इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। अगर कोई फंक्शन f सच दैट a टू b है तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होगा? जो इनवर्स फंक्शन होगा वो होगा बी टू। कंसेप्ट समझ लो आप इसका, एक सेट ए है एक सेट बी है, यहाँ से यहाँ फंक्शन चला एफ और यहाँ जो वापस आया इससे वो हो गया एफ इनवर्स। यहाँ 1 2 3 है और यहाँ ए बी सी है, इस तरह से अगर जुड़े हुए हैं ये एफ इमेज 1 = क्या है एक, इसका मतलब एफ इनवर्स इमेज ए इक्वल टू 1। एफ 2 = बी देर इम्प्लाइज एफ इनवर्स बी इक्वल टू 2। एफ 3 = सी देर इम्प्लाइज, समझ गया इनवर्स फंक्शन, यानी कि इसकी प्री इमेज क्या है, इसकी प्री इमेज क्या है, ये हमारा इनवर्स फंक्शन है। ठीक है भाई, अब इनवर्स फंक्शन के साथ एक फंक्शन लिख लो आप ऑर्डर फेयर के रूप में है, मान लिया एफ इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा 2 1 2 1 और 4। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन तो इसके साथ ख़त्म हुआ। इसके अलावा अब बात आती है नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन। एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एम है, एक सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एन है, तब नंबर ओ जो फंक्शन होगा वो होगा एन की पावर। डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है एक नंबर में और फिर टू टाइप, ये तो 12th में पढ़ा होगा। कल का दिन बचता है हमारे को, कल के दिन जो लेक्चर होगा उसमें टोटली कुछ चली होगी सेट रिलेशनल फंक्शन, और जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें हम 11-12 से मोस्टली फार्मूले ही उठेंगे, आप कम कंसेप्ट है। अगर मान लिया 10 लेक्चर है किसी टॉपिक के लिए तो 4 लेक्चर मुश्किल से NCERT चलेगी, 3 या 4, बाकी MIIT ये ही पढ़ाया जाएगा। जो आप ये कहते हो कि टोटल ही IIT JEE पढ़ाए जाए पूरे को पूरे इसमें लेवल, तो डायरेक्ट IIT JEE भी शुरू कर दो, 11-12 से कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। सर IIT के कॉन्सेप्ट को पढ़ाए जाएंगे? एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? मैंने 11-12 में तो क्वेश्चन कराए कोई ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में वही कराया जो कंसेप्ट समझाने के लिए ज़रूरी था, यानी टोटल कंसेप्ट समझाए। अब कंसेप्ट कितने हैं सुन लो, सेट पढ़ाया, सेट्स टाइप ऑफ सेट्स पढ़ाए, कितनी तरह के सेट्स होते हैं, सब सेट क्या है, पावर सेट क्या है, ठीक है, हैं
उसके पता दुनिया भर के वो पढ़ाए हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टी है इन्हें तो ये भी नहीं पता था कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ठीक है वो पढ़ाए, उसके बाद रिलेशन पढ़ाया टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ाए ठीक है उस रिलेशन, फिर तब से फंक्शन चल रहा तुम्हारे सामने रिलेशन दोबारा दो बार रिपीट किया, फिर तुम आए तुम्हारे सामने मैंने एक दिन एब्सेंट हो गए थे इतनी बार रिपीट किया, तो स्कूल में जाके चलना सैड रिलेशन फंक्शन एक महीना भी पूरा नहीं होता, पहली बात तो पढ़ाने तो बचते हैं डायरेक्ट आऊँगे टिग्नोमेट्री उठा लेंगे समझ रहे नहीं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ये जो सेट रिलेशन फंक्शन है और इसी के साथ जो फंक्शन वर्ड है ये आपका कई टॉपिक्स में रिलेटेड है, ये जब पढ़ोगे आप ये रखी बुक्स इंजीनियरिंग को उठा के देखना कोई भी बुक ऊपर को जाएंगे क्वेश्चन यहाँ को एंट्री करने मुश्किल हो जाएंगे किसी भी टॉपिक्स को ठीक है। अभी मेरा सेट रिलेशन फंक्शन का कल क्लोज हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या टॉपिक मुझे मिलता है या नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा अगर होगा उसके बाद फिर मैं आपको बुक के लिए कहूँगा, अभी मैं बुक के लिए नहीं कह रहा क्योंकि पहले अपना मन बनाए अच्छी तरह से, जब तक मन ना बने तब तक पैसे भेज, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद 1600 रुपये का की बुक्स हैं दोनों आर डी शर्मा की, क्योंकि दो वॉल्यूम में आ रही है ना तो फर्स्ट और सेकेंड में, तो 1600-1700 रुपये की बुक्स पड़ेगी उसमें क्यों वेस्ट करोगे, पहले अपना मन बनाओ हाँ आप करना ठीक है। और मैं अगर मैं कंटिन्यू पढ़ाऊँगा तो फिर मैं ढंग से करा दूँगा आपको, फिर तो मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन बीच बीच में अगर टीचर बदलेंगे टॉपिक बदलेंगे क्या होगा आपके साथ आपके जाने में वो तब देखते हैं ठीक है। अब ये मुझे बताओ ये समझ में आया नहीं आया ऐसा क्यों है, एन की पावर आई देखो देखो ये चीज़ है मैथमेटिक्स में समझने की, हर चीज़ बहुत ही रेयर चीज़ें होती हैं जो हमें रटनी है मजबूरी है भाई, मजबूरी है रटनी पड़ रही है जब इसका कोई सोल्यूशन नहीं। अब अगर ऐसा है तो क्यों मेरे लिए आसान है, देखो मैं सही बता रहा हूँ इसे बता दिया आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा और छुट्टी हो जाएगी, लेकिन वो आसान काम है, लेकिन हमें अगर इसका पता लग जाए कि एन की पावर एम क्यों चढ़ा तो थोड़ा हमारे लिए लंबे समय तक ध्यान रखने वाली चीज़ हो जाएगी। एक सेट हमारे पास ए है एक सेट हमारे पास बी है, इसमें एलिमेंट कितने हैं एम ठीक है, ऐसे कर दूँ ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एम हो गए, इसमें हो सकते हैं बी वन बी टू बी थ्री डॉट 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 बी एन एलिमेंट ठीक है। अब वो नंबर ऑफ फंक्शन पूछ रहा हूँ, फंक्शन क्या होता है इसकी इधर जो है इमेजेस होती हैं यानी कि इससे कितने तरह के फंक्शन बन सकते हैं, ए फंक्शन तो यह है कि ए वन से बी वन जुड़ जाए ए टू से बी टू जुड़ गया ए थ्री से बी थ्री जुड़ गया ठीक, एक फंक्शन तो ये हुआ। दूसरा फंक्शन ये भी हो सकता है कि ए वन किससे जुड़े, एक फंक्शन ये भी हो सकता है कि ए वन किससे जुड़े, एक फंक्शन ये भी है कि ए वन किससे जुड़े, तो ए वन कुल मिलाकर कितनी प्रकार से किसी से जुड़ सकता है, इमेज बन सकती है उसकी कितने प्रकार से बन सकती है, कितने हैं वही तो पूछ, एन प्रकार से कितने प्रकार से बन सकती हैं, एन प्रकार से बन सकती हैं, इसकी भी कितनी बन सकती हैं, इसकी भी कितनी बन सकती हैं, लास्ट वाले की भी कितनी बनेगी, ये एन प्रकार कितने तरह के हो गए, यानी कि एन 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 कितने तरह से हो गए, एम हो गए ना, यानी कि एन एन की संख्या कितनी होगी, प्रकार छोड़ दो एन एन की संख्या कितनी होगी मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक, एम होगी ना। अब बात आती है ये भी एन प्रकार ये भी एन प्रकार ये भी एन प्रकार ये भी एन प्रकार, तो अब इन्हें जोड़ें या गुणा करें, बस समस्या ये है इन्हें एम बार जोड़ें या एम बार गुणा करें, अगर इन्हें एम बार जोड़ लें तो वैल्यू एम एन आर ई और एन बार गुणा कर लें तो एन की पावर एम आर आर,
ये तो पड़े से अब गुणा क्यों कर रहे गुणा क्यों कर रहे कौन सी क्लास में आप 12th में पढ़ाया कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन क्या करता है जोर की बोला करो आवाज नहीं आती इनको ऐड करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे देखिए इसके भी n प्रकार है इसके भी n प्रकार है इसके भी n प्रकार है लेकिन जब फंक्शन बनेगा इन सब के बीच में एंड रहेगा क्या रहेगा और a1 की इमेज और a2 की इमेज और ये या में आओगा या तो नहीं आने का और आएगा यानी कि एंड आएगा और नहीं आएगा और मैंने सेट्स में बताया था अगर एंड हो तो क्या साइन यूज होता है इनटू मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है और यूनियन है तो एडिशन का यूज होगा यही चीज़ आपकी प्रोबेबिलिटी में भी आएगी तो यहाँ क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन ए वन की इमेज टोटल एंड ए टू की तभी क्योंकि इमेजेस सबकी बनेंगी तभी तो फंक्शन बनेगा तो इसलिए इन सब की मल्टीप्लिकेशन होगी और एन की पावर एम आर ये फार्मूले का एक तरह से डेरिवेशन है जबकि बुक्स में डेरिवेशन नहीं दिया हुआ अब रखी बुक कोई सी आपकी इंजीनियरिंग की बुक लोगे उनको देख लेना किसी में इसका इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन नहीं किया होगा लिखना चाहो लिख लो कोड वर्ड में अपने और नहीं लिखते ना लिखो क्वेश्चन पे आ जाओ आपको बताऊं क्वेश्चन कराना आसान काम है क्वेश्चन कराना इतना बड़ा काम नहीं है क्वेश्चन तो मैं दो ओवर क्वेश्चन पटका जाऊंगा जितना मैं समझा जाऊंगा भाई जो पेपर आओगा उसका तो मुझे समझाने से राम है कि भाई जो पेपर आओगा तो ये क्वेश्चन आओगा क्योंकि वहाँ क्वेश्चन रिपीट इससे तो बहुत कम चांसेस है जो आएंगे वही तो कराऊंगा मुश्किल क्या है कंसेप्ट समझाना अगर बच्चों का मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है इनका वीक है क्यों है वीक बच्चों को कंसेप्ट नहीं पता कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए तो मैथ अपना आप पढ़ लोगे आपको किसी बड़े से बड़े कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है सेल्फ स्टडी करनी शुरू करो बुक्स का फर्स्ट पेज ओपन करो जहाँ नाम लिखा होता है किसी चैप्टर पर वहीं से रीड करना शुरू करो मैथ समझ में आता चले जाएगा लेकिन अगर आपको अर्ली चीज़ें नहीं पता क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है मैथमेटिक्स ही है ये अगर आपको यहाँ पहुँचना है ना यहाँ से तो ऐसे चलना पड़ेगा सीढ़ी टू सीढ़ी यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाओगे अगर कहीं यहाँ ब्रेक है ना सारी ज़िंदगी नहीं पहुँच सकते और मैं आपके कंसेप्ट बताना कि ब्रेक के बस की काम नहीं है सिलेक्टिव लोग हैं जो पढ़ा पाएंगे और जिनकी एज अंडर 35 है उनके तो बस सही बार है जिन्होंने 2000 के बाद मैथमेटिक्स पढ़ा ना उनके लिए तो दूर की कोड़ी है उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ाई नहीं ये तीन किताब पढ़ गए तीन क्या बस ये उन्हीं को किताबें हैं देखिए अभी मैंने इनवर्स फंक्शन बताया था किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कब पॉसिबल है किसी भी चीज़ का इनवर्स तभी पॉसिबल है अगर फंक्शन हमारा कैसा हो बाइजेक्टिव क्या हो बाइजेक्टिव का मतलब वो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो ठीक है
इंजेक्टिव इसलिए बोल रहा वन वन हो और ये वन टू हो। इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में जो मिलेगा ना मैं इतने तेज है मैं इन्हीं वर्डों का यूज करे हैं। सिंपल वन 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 टू ट्वेल्थ तक मिलेगा पेपर में वन 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 टू दे भी देगा लेकिन आई आई टी जेई में अगर जहाँ भी कुछ आएगा वो इंजेक्टिव सब्जेक्टिव करके देगा वो आपको ये चीज़ नहीं देगा। अब वो क्यों है देखिए ए बी सी डी वन टू थ्री फोर ये फंक्शन है वन वन भी है और कैसा है वन वन ऑन टू हो गया ना ये ऑन टू का मतलब क्या है कि जो सेट बी है इसमें यहाँ कोई भी एलिमेंट शेष नहीं होना चाहिए यहाँ कोई भी एलिमेंट आपका नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज ना हो इसलिए ऑन टू होना चाहिए वन 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 होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए वन वन ऑन टू इसलिए होना चाहिए अभी तो फंक्शन इधर से इधर पढ़ रहे थे हम अगर हम इधर से इधर पढ़े अगर यहाँ कोई एक एलिमेंट बच जाए तो क्या वो फंक्शन है बता देना पहले ही। अगर किसी सेट ए का कोई एक एलिमेंट ऐसा बच जाए जिसकी इमेज बी में ना हो तो इट इज़ नॉट ए फंक्शन तो तब उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज पॉसिबल ओनली इफ एंड ओनली इफ इट इज़ वन वन ऑन ठीक है। एक फंक्शन दिया है f such that r to r r to r का मतलब f x equal to x square plus 1 find find f inverse phi f इनवर्स 26 एक इसकी वैल्यू निकालनी और एक इसकी वैल्यू लिख लिया देखो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये वैल्यू निकाल ली ना लेट f इनवर्स phi इक्वल टू x मान लिया ठीक है। इसको समझो ये यही तो है ना ये f इनवर्स हो गया और ये f हो गया phi इमेज ऑफ फाई अंडर एफ इनिवर्स इक्वल टू एक्स तो इमेज ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू फाई नहीं हो जाता लिख सकते हैं नहीं इसको हम लिख सकते हैं ठीक। और इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ क्या दिया हुआ है ठीक है पाँच की जगह 26 आएगा 26 तरह माइनस एक क्या हो जाएगा 25 प्लस माइनस क्या आ जाएगा
नंबर को नोट कर लो। क्वेश्चन है एक, उधर लिखो नहीं दिखता, इधर लिखो तो नहीं दिखता, तो बीच में लिख देना, साफ कर दो बीच का। Defined by function of x square minus 3x plus 2 find f function of question number 1 question number 2 दोनों फंक्शन इकट्ठे दे दिए, दोनों आर टू आ रही हैं, एफ भी आर टू आर है और जी भी आर टू आर है, डिफाइन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन जी एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री find first FOG second GOF third F of F fourth GOG
कर दिया था।